नमस्कार, मैं हूं पल्लवी और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। चलिए नजर डाल लेते हैं यूपी की 10 अहम बड़ी खबरों पर। आगरा के पास यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा नया आगरा बसाया जाएगा। न्यू आगरा अर्बन सेंटर की स्टडी रिपोर्ट के तैयार करने के लिए ट्रैक टेबल इंजीनियरिंग स्काई ग्रुप का चयन किया गया है। कंपनी 9 महीने में मास्टर प्लान का ब्लूप्रिंट तैयार करेगी। इसे बनाने में कुल 40,000 करोड़ रुपए का खर्च किए जाएंगे और इस शहर को पूरे 10,500 हेक्टेयर में बसाया जाएगा। आज मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल की पहली बजट पेश हुई। केंद्र सरकार ने 2024-25 में 48,20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट पेश किया। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि काशी विश्वनाथ धाम को वैश्विक पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। वित्त मंत्री ने बजट में इस बार युवाओं और रोजगार पर खास जोर दिया है, जिसमें शिक्षा के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया है, जो कि पिछले बजट से 32% ज्यादा है। इसके अलावा 1 करोड़ गरीब परिवारों को घर देने का वादा भी किया गया है। इनकम टैक्स को लेकर भी बड़ा ऐलान किया गया है। नई टैक्स रिजीम में बदलाव किया गया है, पुरानी टैक्स रिजीम में कुछ बदलाव नहीं हुआ है। बार काउंसिलिंग ऑफ इंडिया ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में BLLB की सीटों को लेकर सख्ती बरती है। इसके बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय और इससे संबंध में 3 संघटक कॉलेजों में BLLB में 90 सीटें घटा दी गई हैं। इस वर्ष घटाई गई सीटों के सापेक्ष ही प्रवेश लिए जाएंगे। नाम प्लेट विवाद के बीच अखिल भारतीय अखाड़ा परिसर ने प्रदेश सरकार को कुछ सुझाव दिए हैं। परिसर का कहना है कि महाकुंभ में आने वाले सभी संतों कल्पवासियों को पहचान पत्र जारी किए जाएं, ताकि संतों और कल्पवासियों की भेष में पाखंडियों और धर्म विरोधी तत्वों की पहचान की जा सके। साल 2017 में 25 जुलाई को शिक्षा मित्रों का समायोजन निरस्त किया गया था। तब से शिक्षा मित्र आर्थिक व मानसिक रूप से परेशान है। इसी के मद्देनजर उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ ने नेतृत्व में सभी जिलों में शिक्षा मित्र 25 जुलाई को काला दिवस मनाएंगे। इसी दिन हर जिले में मृत शिक्षा मित्रों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। साथ ही DM के माध्यम से शिक्षा मित्रों के मानदेय बढ़ाने और तमाम अन्य समस्याओं के संदर्भ में मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी भेजेंगे। नोएडा के बाद राज्य राजधानी क्षेत्र SCR और बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण बीड़ा भी बड़े औद्योगिक के केंद्र के रूप में विकसित किए जाएंगे। प्रदेश सरकार ने अगले 2 वर्ष में SCR में 5,00,000 करोड़ के निवेश का लक्ष्य रखा है। इसके लिए सभी एजेंसियां समेत उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण UP सीड़ा और उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण को भूमि अधिकरण के लिए निर्देश दिए गए हैं। मौसम विभाग ने आज प्रदेश में 21 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। 61 जिलों में बिजली गिरने की भी संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक यूपी में इस वक्त बारिश लोकल मौसमी इफेक्ट के चलते हो रही है। मानसून के बादल अभी यूपी में नहीं है। वहीं दक्षिण भारत, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में लगातार बारिश का कहर जारी है। अटेंडेंस के लिए कमेटी परिषदीय विद्यालयों में शिक्षकों की डिजिटल अटेंडेंस स्थापित की गई है। बेसिक शिक्षा विभाग ने परिषदीय विद्यालयों में 8 जुलाई से शिक्षकों की डिजिटल अटेंडेंस का निर्देश जारी किया था, लेकिन 1 सप्ताह बाद भी कमेटी का गठन नहीं हुआ है। इससे शिक्षक परेशान हैं। शिक्षक संगठन फिर से 29 जुलाई को प्रदर्शन की तैयारी में जुट गए हैं। प्रदेश सरकार शहरों को ट्रैफिक से मुक्ति दिलाने के लिए 12 मीटर से कम चौड़ी सड़कों पर पार्किंग का ठेका प्रतिबंधित करने जा रही है। इतना ही नहीं, दिव्यांगों के लिए सभी पार्किंग स्थलों में अलग से पार्किंग की सुविधा होगी। तेजी से इलेक्ट्रिक साधनों में बढ़ोतरी को ध्यान में रखते हुए पार्किंग स्थलों पर इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए चार्जिंग की सुविधा भी दी जाएगी। नौचंदी मेला उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध मेलों में से एक है। यह हर साल मेरठ में लगता है। ये मेला मेरठ की शान है। यहाँ का ऐतिहासिक नौचंदी मेला हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। हजरत बाले मियाँ की दरगाह एवं नौचंडी देवी का मंदिर एक दूसरे के निकट ही स्थित है। जहाँ मंदिर में भजन कीर्तन होते रहते हैं, वहीं दरगाह पर कवाली आदि होती रहती हैं। मेले के दौरान मंदिर में घंटों के साथ अजान की आवाज एक सांप्रदायिक अध्यात्म की प्रतिध्वनि देती है। अभी हाल ही में इस मेले में कुछ अश्लील घटनाएं घटित होने का मामला सामने आया है, जिसके बाद ये मेला चर्चा में आ गया है। तो ये थी आज की टॉप 10 बड़ी खबरें। बाकी खबरों को देखने के लिए बने रहें बातें यूपी के साथ। नमस्कार।